आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद की ओर से पासवान जाति के संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। हमारे पासवान जाति का जो समाज में जो बिखराव है, जो संगठित नहीं है, शिक्षित नहीं है, कुभावनाओं का शिकार हो रहे हैं, इसी सब के लेकर के हम पासवान भाइयों को एक जगह पर लाने का कोशिश कर रहे हैं कि उनके शैक्षणिक योग्यता बढ़े, उनकी शिक्षा दीक्षा बढ़े, उनके स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके घर के समस्या दूर हो, इस सब बात के लेकर के आज हम पासवान संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें इस कार्यक्रम में 2100 पंचायत के हमारे सम्मानित लोग आए हैं और सब लोग ने अपना अपना विचार रखा है। लगातार इधर में आने वाला जो समय है, त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है, इसमें इस जाति का हमारा मुख्य उद्देश्य है से अधिक जनप्रतिनिधि बनकर के सदन में आवे और आगे मुहे अपने समाज के कल्याण के लिए काम करे, इसी सब उद्देश्य के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। परिचय दीजिए। परिचय है, प्रभु पासवान मेरा नाम हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के सदस्य हैं। क्या कुछ आज बातें हुई है अपने? आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पासवान समाज को एकजुट करने के लिए। हमारे कांटी विधानसभा के 300 पंचायत से पासवान समाज के गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और यही कार्यक्रम सरमसपुर में यहाँ पे रखा गया है। और हम लोग अपने पासवान जाति के उत्थान के लिए कैसे आगे, कैसे पासवान जाति का उत्थान होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत है और उत्थान के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। पूरे पंचायत में जाके अपने पासवान जाति को आगे बढ़ाने का रास्ता देखेंगे, कैसे आगे हमारा पासवान जाति बढ़े। मिथिलेश पासवान,